डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर फेवरेट मैथ चैनल के डी द मैथ ट्यूबर। टूडे वी विल टॉक अबाउट 2018 फर्स्ट शिफ्ट पेपर ऑफ एयरफोर्स एफ वाई ग्रुप। तो आज अपन वाई ग्रुप की बात करेंगे और ये जो पेपर है बेटा वो आपका 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले वाई ग्रुप के सिलेबस की एक बार मैं शॉर्ट में बात कर लेता हूँ। वैसे आपको ज़्यादातर पता ही है, तो इंग्लिश आपको पता ही है। 20 क्वेश्चन आते हैं जो आपको 20 मिनट में करने होते हैं। हर क्वेश्चन आपका एक मार्क का रहता है और नेगेटिव करने पर आपको माइनस का 0.25 मिलता है और सही करने पर +1 मिलता है। रागा, रागा में आपको पता है तीन पार्ट होते हैं आपके, जीके, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, जीके, मैथ, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं जिसमें अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन जीके के रहते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं और 7-8 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं। अब इसमें कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है, जैसे मान लो रीजनिंग मैथ के 22-23 आ गए तो जीके के 7-8 आ गए, लेकिन इनमें एक दो नंबर का ऊपर नीचे रह सकता है। लेकिन मोटा मोटा आइडिया जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है। नंबर इसमें भी वही है, सही करने पर +1 और माइनस करने पर माइनस का 0.25। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन होते हैं जो आपको 45 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। मेरिट अप्रोक्सीमेट बेटा अगर कोई 40+ चला जाता है तो एक तरीके से ये सेफ स्कोर है। तो इसको कैसे अपने को लाना है विद इन टाइम में, नई नई ट्रिक्स की बात करूंगा। और रागा के पेपर की अपन को मैथ रीजनिंग की चर्चा आज करनी है। तो मैथ रीजनिंग की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए थे बेटा वो रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए आप सभी ध्यान से देखें। चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल दे दिया है इसने कि एक कैसी संख्या है। अभाज्य जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे प्राइम। भाज्य का मतलब होता है डिवाइजेबल, और ये कह रहा है न तो भाज्य न अभाज्य, और भाज्य और अभाज्य दोनों। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एक जो होती है वो न तो उसकी गिनती भाज्य में होती है और न अभाज्य में। ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर अभाज्य यानी प्राइम नंबर लिखते हैं क्योंकि एक किसी से नहीं कटती। लेकिन हमेशा ध्यान रखें सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है वो 2 है। जैसे अगर कभी भी पूछी जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कौन सी होगी, 2। क्लियर इस तरीके से। चलिए खैर, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, सी, न तो भाज्य और न अभाज्य। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 548.3987 में 4 और 8 के स्थानीय मान का अंतर। देखो पहले अगर मैं इसमें 4 का स्थानीय मान निकालूं बच्चों, किसका, 4 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता है आपको। ये देखो 4 कहाँ है, यहाँ पर 4 के पीछे कितने अंक हैं, 1, तो इसका 40 हो गया। पॉइंट के पीछे को नहीं गिनना है इसमें। अब चलिए 8 का स्थानीय मान देख लेते हैं। 8 का स्थानीय मान जब आप देखने जाओगे तो पॉइंट के पीछे की बात होनी है, तो 8 यहाँ पर है तो इधर तो डिजिट खाली है, तो ये आपका हो जाएगा 0.008। अब इसका अपने को निकालना है अंतर। ठीक है, अंतर, तो अंतर क्या हो जाएगा, 40 में से इसे माइनस करेंगे, तो 40 में से जब आप 0.008 को माइनस करेंगे तो आप पॉइंट के बाद ये 0 बढ़ा लो, तो ये आपका हो जाएगा कितना हो गया यहाँ पर स्टूडेंट, 39.992। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, पहला। क्लियर? तो बिल्कुल छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो बढ़िया ट्रिक आ गई कि ये कह रहा 29 की पावर 19 माइनस 1 ये किससे विभाजित होगा इनमें से। देखो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि x की पावर n माइनस a की पावर n कभी भी हो, ये हमेशा ही x माइनस a से जरूर डिविजिबल होता है, यानी x माइनस a से हमेशा विभाज्य होगा। क्लियर? चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे n की वैल्यू सम हो, चाहे n की वैल्यू विषम हो, लेकिन ये x माइनस a से ज़रूर कटेगा। तो अगर इसमें मान लो अपन 29 की पावर 19 के हिसाब से देखें और यहाँ ए की वैल्यू 1 है तो 1 को भी वही पावर लिख सकते हैं। अब आप ये देखो इस रूल के हिसाब से ये किससे विभाजित होगा, 29 माइनस 1 यानी 28 से। आप कहोगे सर 28 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब एक दिमाग ये लगाओ कि भाई जो राशि 28 से विभाजित हो रही है इसका मतलब वो 100% 7 से भी विभाजित होगी, तो इसका सही आंसर कौन होगा बच्चों, 7।
आपको ये जो मैंने ट्रिक बताई, इस ट्रिक का ध्यान जरूर रखना है। क्लियर? ये आगे अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा, इसकी वैल्यू पूछी है, इनफाइनाइट सीरीज है। ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा ध्यान रखना जैसे अंदर 12 दिया है, और इसके फैक्टर ऐसे करो बेटा जिनका डिफरेंस 1 आता हो। तो 12 के ऐसे फैक्टर होते हैं 4 और 3। आप कहोगे सर 12 के फैक्टर तो 6 और 2 भी होते हैं और 12 और 1 भी होते, लेकिन उनको नहीं लेना है, अपने को ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका अंतर 1 हो। तो 4 और 3 का अंतर 1 है, तो ये बिल्कुल सही है। तो अब आप कहोगे इसमें आंसर कौन सा होगा बेटा, हमेशा ध्यान रखना, अगर इनमें बीच में प्लस होती तो बड़ी संख्या को आंसर मानते हैं, और अगर बीच में माइनस माइनस है तो हमेशा छोटी राशि को आंसर मानते हैं। तो इसका आंसर कौन होगा? 3। अब मान लो जैसे अभी क्वेश्चन इस तरीके से हो, जैसे मान लो किसी ने आपको दे दिया √20 + √20 + √20। अब इसमें जैसे प्लस है तो आपको पता है 20 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 5 और 4 होगा। अब प्लस वाले में बड़े को आंसर मानेंगे। क्लियर? तो चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का मैसे पे यानी HCF, मैसे का मतलब होता है बच्चों HCF, ये 12 है और उनके बीच अंतर 12 है उन संख्याओं का, ठीक है, तो वो संख्याएं निकालनी। देखो पहले हमेशा ध्यान रखो HCF वो होता है जिसका भाग दोनों में जाना चाहिए, तो 12 का भाग इन सभी में जा रहा है, यानी इससे तो हमें कोई फायदा नहीं मिला। अब अंतर 12 है, अंतर देख लो 12 किनका है, 12 और 84 का अंतर 12 तो है नहीं, 60 और 84 का अंतर भी 12 नहीं है, 84 और 108 का अंतर भी 12 नहीं है, 84 और 96 का अंतर जरूर 12 है। ऐसे क्वेश्चन देखो बिल्कुल 2-2 सेकंड में आप ट्रिक से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग आ गया बच्चा, इसको ढंग से देखना है अपने, इसको ढंग से देखना थोड़ा सा। देखो क्या क्वेश्चन है, ये कह रहा है 41-37 डिवाइड बाई 1.75 कि इसकी वैल्यू है 23-64, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि इसमें 41.37 हमको वैल्यू किसकी बनानी, 41.37 अपॉन 17.5 इसकी वैल्यू बनानी है। तो देखना अब इसकी ट्रिक अपने को कैसे लगेगी। सबसे पहले एक काम करो, पहले तो ये पॉइंट का झंझट ख़त्म कर लो, है ना, पॉइंट का। तो पॉइंट का जब आप झंझट ख़त्म करोगे तो ऊपर आपकी 2 जीरो बढ़ जाएंगी, और अपॉन में हो रहा है आपका 1.75 इक्वल 2364, ठीक है, ये हो गया। अब आप कहोगे सर पॉइंट तो अपने को यहाँ लानी है इस जगह पे। देखो अब अपने को पॉइंट इस जगह लानी है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसका सिस्टम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो एक काम ये करो कि जैसे ही मैं 2 जीरो यहाँ से हटाऊँगा बेटा, 2 जीरो, तो वो पॉइंट आपकी यहाँ आ जाएगी। 2 जीरो हटाएंगे तो पॉइंट दूसरी तरफ आ जाएगी 2 अंक पहले, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रहे कि नीचे से आपको कितने पॉइंट हटाने। अब देखो ऊपर पॉइंट अपने को केवल हटाना ही नहीं है, पॉइंट आगे भी खिसकाना है, 37 के इधर लाना है। तो जब आप और 2 अंक इधर लाओगे पॉइंट को, जैसे आप लाओगे 41.37 में, समझना बात को क्या है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब पॉइंट को आप 37 के आगे लाओगे यानी 41.37 अपॉन है 1.75, तो आपको ये जो पॉइंट है वो और 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, ठीक है। ये तो ये 2 डिजिट आगे खिसकेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 0.2364। अब एक बार चेक कर लो, आपको जो पूछ रहा है वो ऊपर तो ठीक है, लेकिन नीचे 17.5 है, 17.5 यानी यहाँ से पॉइंट 1 हटानी पड़ेगी अपने को। ये पॉइंट कब हटेगी, देखो 41.37 अपॉन नीचे से जब आप पॉइंट हटाओगे, नीचे से पॉइंट हटाओगे तो बेटा नीचे से पॉइंट तभी हटेगी जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक पॉइंट से 0 बढ़ती है। जैसे ही इसमें 10 का गुणा होगा तो पॉइंट 1 पीछे खिसक जाएगी, यानी 2.364 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें है कुछ नहीं, बस पॉइंटों का जाल है। देखो मैंने क्या क्या किया एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अपने को ये तो मान दिया ही था, इसमें तो मैंने कुछ किया नहीं। जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाई, ठीक है, और 2 जीरो कहाँ से बढ़ी थी अपनी,
तो देख लेते हैं बेटा एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं इसको। देखो ये कह रहा है आपको वैल्यू दी किसकी है, 4137 अपॉन 1.75 और इसकी वैल्यू दी है आपको 2364। ठीक, ये वैल्यू आपको दी है। अब वो क्या कह रहा है देखो बच्चों, वो ये कह रहा है कि अपने को चाहिए 41.37 पॉइंट चाहिए यहाँ पर 4137 के बीच में। तो चलो एक बार मैं देखता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पॉइंट लाऊँगा तो यहाँ पर ये ध्यान रहे अभी नीचे मैंने कुछ भी नहीं किया है, जैसे ही मैं यहाँ पॉइंट लाऊँगा दो अंक पहले, तो दो अंक पहले पॉइंट दूसरी तरफ भी आएगा। ठीक है, यहाँ भी वही सेम काम होगा। चलिए यहाँ भी पॉइंट बीच में आ गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसको और इसको मिला के देखो, 41.37 ये तो सही आ गया बिल्कुल, लेकिन ऊपर नीचे 17.5 जबकि यहाँ 1.75। तो एक काम कर सकते हो, 41.37 अपॉन, जैसे ही मैं ये पॉइंट पीछे ले जाऊँगा बच्चों, पॉइंट पीछे ले जाऊँगा, तो ये पॉइंट पीछे ले जाने के लिए इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो है वो पॉइंट पीछे तभी आ सकता है बच्चों जब पॉइंट जैसे ही मैं हटाऊंगा, तो ये ध्यान रहे कि ये जो पॉइंट है वो हट के कहाँ पहुँचेगा, इसके वज्र गुणा में यानी क्रॉस में सामने। तो जैसे ही ये पॉइंट इसको मिलेगा तो अभी पॉइंट जो दो डिजिट पहले थी वो अब कितनी डिजिट पहले हो जाएगी, 3 डिजिट पहले हो जाएगी। तो ये आंसर आपका कौन सा आएगा, बी। तो इसमें है कुछ नहीं, कोई ट्रिक नहीं है, बस पॉइंट का ध्यान रखना है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 7th, ये कह रहा है एक आदमी 2400 रुपये कमाता है और 600 रुपये अपनी आय का बचत करता है तो कितने प्रतिशत वह खर्च करता है। देखो उसकी टोटल इनकम कितनी है बच्चों, उसकी टोटल इनकम है 2400। अब वो आपकी बचत कितनी कर रहा है, बचत कर रहा है मान लो 600, तो इसका मतलब वो आपकी खर्च कितने कर देता है, खर्च कर देता है 1800। तो वो कह रहा है कितने प्रतिशत खर्च करता है। देखो परसेंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो भी खर्च है उसमें टोटल यानी कुल आय का भाग देके 100 से गुणा कर देंगे। ट्रिक समझना, ये आपने 6 से काट रहे हो, 6 से 3 बार, 6 से 4 बार, और ये आपका 4 से कटा 25, 25 का 3 में आपका कितना हो जाएगा 75%। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, पहला। ट्रिक्स पर ध्यान दो, सारे क्वेश्चन इजी हैं। अगला देखते हैं, एक विक्रेता ने अपने वस्तुओं की कीमत लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित की। अधिक अंकित की का मतलब है यानी प्रिंट रेट जो MRP कहते हैं जिसको बेटा, वो हो जाएगी 120। 120 क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपका अगर मान लो लागत मूल्य में मान लो, जैसे मान लो वस्तु वो खरीद के लाया था 100 रुपये की, ठीक है, या उसने बनाई या खरीद के लाया 100 की, तो उसने प्रिंट 120 कर दिया, क्योंकि उसे पता है ग्राहक मोल तोल करेगा, तो मोल तोल करेगा वो छूट भी दे सकता है। अब वो कह रहा अंकित मूल्य पर 5% की उसने छूट दे दी, तो 5% की छूट दे दी इसका मतलब उसने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा, 120 में से 5 की छूट दे दी तो 115 रुपये में बेचा। अब आप ये देखो, खरीद के लाया था 100 की, बेचा 115 में, तो वगैरह लाभ कितना हुआ, तो लाभ बेटा 15 हुआ, इसमें क्या है, ये तो आसान काम है। आगे अगला क्वेश्चन है, 3 आदमी या 6 लड़के, देखो 3 आदमी या 6 लड़के, या का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आ गया, तो या कभी भी लगाओ इसका मतलब ये है कि आप इससे एफिशिएंसी निकाल सकते हो। तो 3 से अगर मैं कैंसिल करूँ तो इसका मतलब सीधा है कि एक आदमी की जो कैपेसिटी है वो 2 लड़कों के बराबर है, यानी एक आदमी को अपन 2 लड़के मान सकते हैं। ठीक है, अब आप ये सोच लो कि आपको काम किन से कराना है, चलो अपन लड़के से ही करा लेते हैं। ठीक है, तो ये पहली स्थिति है और ये दूसरी। फॉर्मूला होता है बेटा E1D1 = E2D2। आप कहोगे ये ई और डी क्या है, ई का मतलब एफिशिएंसी यानी दक्षता और डी डे यानी दिन। पहले क्या था, अब या लगाए, या का मतलब ये कि या तो इसको लेना है या इसको। अब आपने क्या सोचा था कि मुझे काम लड़कों से कराना है, तो चलिए 6 लड़के ले लेते हैं और इनके दिन कितने बच्चों, 40। अब E2 यानी अब ये कह रहा है 6 आदमी तथा 6 लड़के, तथा का मतलब है इसको भी लेना और इसको। अब एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है, इसका मतलब 6 आदमी हो गए 12 लड़कों के, तो 12 और 8 हो गए आपके 20 लड़के। और D2 यानी दिन पूछें, तो ये आपके 20 × 40 और 2 का 6 में गुणा हो गया 12, तो यानी आंसर आपका 12 दिन। ये फॉर्मूला ज़रूर ध्यान रखना, कौन सा, E1D1 = E2D2। ठीक बच्चों,
चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। टैंक का 15 मिनट में 3/16 भाग भरा जाता है, तो टैंक का बाकी भाग भरने में कितना समय लगेगा। चलिए इसको देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर ये देखो कि 3/16 भाग ये भर रहा है कितने मिनट में, 15 मिनट में। चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पूरा टैंक भरना चाहूँ पूरा, तो इसको भरने में लगेंगी कितनी मिनट, 15 × 3/16 उधर ले जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, 3×5=15 यानी 16×5=80 मिनट लगेंगी। 80 मिनट तो किस में लग रही है, पूरे टैंक को भरने में, लेकिन अपने को पूरा तो भरना नहीं, अपने को बाकी भरना है। अब ये देखते हैं बाकी कितना बचा। 3/16 को अगर मैं 1 में से घटाऊँ तो 16 में से 3 गया, बचा 13/16। तो देखते हैं 13 जो 16 भाग है उसको भरने में बेटा कितना लगेगा, है ना। ये यहाँ सॉरी थोड़ा सा, चलिए ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये 80 मिनट। हाँ, तो 13/16 भाग को भरने में हो जाएगा कितना, 13/16 × 80, तो ये आपका बच्चों हो जाएगा ये 16×5=80, 13×5=65 मिनट हो जाएंगी। कहाँ है ऑप्शन 65 मिनट, सी ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्री का आ गया, शानदार क्वेश्चन है 10th लेवल का। ये पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, ये कह रहा है एंगल ए इक्वल 90 डिग्री है। चलिए ए पर तो इसका मतलब 90 बन रहा है। बी सी जो दे रखी है वो तो है स्मॉल ए, और ए सी दे रखी है स्मॉल बी, और ए बी दे रखी है स्मॉल सी। ठीक है, चलिए। और टेन बी प्लस टेन सी की वैल्यू पूछी है, टेन बी प्लस टेन सी। देखो टेन बी कहाँ है, बी ये है। तो टेन का फॉर्मूला होता है बेटा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो लंब होता है वो कोण के सामने वाली साइड होती है, तो इसके सामने कौन है, बी। और अब ये तो आधार ले नहीं सकते, ये तो कर्ण है, तो आधार किसे लोगे, सी को। अब टेन सी आपका यहाँ बन रहा है, तो अब लंब हम किसे मानेंगे, इसको, कोण के सामने वाली भुजा को ही लंब मानते हैं। तो टेन का फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो ये सी अपॉन बी हो जाएगा। आप इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या हो रहा है, बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है बेटा कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ लंब कौन है, सी, और आधार कौन है, बी, और कर्ण कौन है, ए। तो यानी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर अपना बच्चों क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी सी, यानी ऑप्शन डी आ गया। क्लियर, बिल्कुल एग्जैक्ट है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। दो स्थानों पी और क्यू के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, ध्यान से देखना। एक मोटरसाइकिल सवार पी से सुबह 6 बजे, ये यहाँ से सुबह 6 बजे चलता है 40 किलोमीटर पर आर से, ठीक, क्यू की तरफ। अब ये कह रहा दूसरा जो है वो क्यू से उसी समय पी की ओर, ये भी 6 बजे ही चला है, और ये चल रहा है अपना इधर की तरफ 50 किलोमीटर पर आर से। ये देखो, एक चीज़ तो पहले जान लो कि ये दोनों को भी अपोजिट चल रहे हैं, तो विपरीत दिशा में हमेशा चालें जुड़ जाती हैं। तो 50 और 40 आपकी 90 किलोमीटर पर आर हो जाएगी। ठीक है, चलिए। अब ये कह रहा बताइए वो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। तो आपने देखा ये विपरीत दिशा में चालें जुड़ गई, ठीक है। अगर ये एक ही दिशा में चलते तो चालें घट जाती। आप ये देखो इनको डिस्टेंस कितनी कवर करनी यहाँ से यहाँ तक की, वो थी आपकी 360 किलोमीटर। तो बेटा जो समय होता है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का, समय बराबर दूरी अपॉन चाल। तो दूरी कितनी है, 360, और चाल है आपकी 90, ये काटेंगे तो आपका समय हो गया 4 घंटे। तो आप ये देखो 6 बजे चला था, उसमें 4 घंटे को जोड़ दें तो 6 और 4 कितने बच जाएंगे, 10 बच जाएंगे। क्लियर, तो ये हो गया टाइम एंड डिस्टेंस का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है। एक ट्रेन 120 मीटर तो लंबा प्लेटफार्म है, उसको 12 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। और यही कह रहा है कि एक खंभे को ये इतने सेकंड में, तो रेलगाड़ी की चाल पूछे। देखो अपन एक काम करते हैं यहाँ पर बच्चों, कि
अगर मैं मान लो यहाँ पर एक चीज मान लूं कि ट्रेन की जो लंबाई है, देखो ट्रेन की जो लंबाई है उसको अगर हम एक्स मान लें और ट्रेन की चाल को अगर मैं वाई मान लूं, तो आप पहले ये देखो कि ये खंबे को कितने में पार कर रही है, 2 से 2/5 सेकंड में। इसका मतलब ये हुआ कि जो समय बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखना, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितनी थी x और चाल थी y, और समय कितना है 5 × 10 = 12/5। तो x अपॉन y, ठीक है, ये हो गया ये। चलो मैं अभी इसको यहीं छोड़ दे रहा हूँ। अब आप ये देखो, ये 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करेगी। तो जब प्लेटफार्म या पुल को ट्रेन पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई में ट्रेन की लंबाई जुड़ जाती है, ठीक है। अब इसमें x का आप मान लगा सकते हो, तो x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, वज्र गुणा करोगे तो y का 12 × 5। ये तो होगी ट्रेन की दूरी। अब यहाँ बेटा समय कितना है, 12 सेकंड है, और चाल y है, ठीक है। समय कितना है 12 सेकंड, और चाल कितनी है y, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। तो ध्यान से समझना, दूरी कितनी है, देखो ये रही 120 प्लस 12y/5, और चाल कितनी है y इंटू समय, समय कितना है 12। चलो यहाँ पर इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, इसको इधर ले आओ। 120 इक्वल तो ये हो जाएगा 12y में से 12y/5 माइनस करोगे, तो यहाँ बेटा 12 × 5 = 60 में से 12 गया, ये हो गया 48y/5 = 120, ठीक बच्चों। 24 से कैंसिल कर दो, 24 × 48, 24 × 5 = 120, 5 × 5 में हो जाएगा 25, और ये 2 का उधर भाग लगेगा, तो भाग लगेगा तो 25 में 2 का भाग लगेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12.5। अब ये 12.5 जो चाल आई है बेटा, 12.5 ये आई है मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में क्यों आई है, क्योंकि सारा क्वेश्चन मीटर और सेकंड में ही चल रहा था, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऑप्शन किलोमीटर पर घंटे में भी दे रखे हैं, तो मीटर पर सेकंड को कभी भी किलोमीटर पर घंटे में बदलना हो तो 18.5 से गुणा करते हैं। तो चलो इसे काट दो, 5 से कटाइए 25 बार, और 18 का गुणा करो तो 18 × 5 = 90, 18 × 2 = 36, और 9 = 45.0, तो यह आगे 45 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। यहाँ ध्यान रहे, अब देखो मात्रक का ध्यान रखना है। कई बार क्या पूरा अपन सॉल्व भी कर लेते हैं, फिर भी मीटर पर सेकंड पे टिक लगा देते हैं, क्लियर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कितने परसेंट वार्षिक दर से, यानी दर पूछी है, आर पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। 8 वर्ष में दुगना का मतलब है कि अगर हम मूलधन को 100 मान लें, तो दुगना तभी होगा जब ब्याज भी 100 मिले, तभी वो 100 और 100 = 200 होगा, और समय 8 वर्ष है। दर का फॉर्मूला होता है बेटा अपना सिंपल है बिल्कुल, ब्याज गुणा 100 / समय / मूलधन। तो ब्याज कितनी है, ये देखो ब्याज है 100 × में ये भी 100, और समय, समय आपका कितना दे रखा है, समय आपका ये रहा 8 वर्ष, और मूलधन, मूलधन ये रहा आपका 100। तो ये 100 कैंसिल हो रहा है, 8 का 100 में भाग दोगे तो आपका 8 × 8 बची 2 = 20 हो गए, 8 × 2 = 16, 12.5% आ जाएगा, जो कि अपना कौन सा ऑप्शन है बेटा, डी। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो बेटा, जो ऊंचाई होती है समबाहु त्रिभुज की, उसका फॉर्मूला होता है a√3/2। तो यहाँ ऊंचाई है कितनी, 3√3, इक्वल में क्या चल रहा है, a√3/2। तो आप देखो √3 से √3 a की वैल्यू आ गई 3 × 6। आप कहोगे सर भुजा थोड़ी पूछी, उसने तो क्षेत्रफल पूछा है। तो कोई बात नहीं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4a², ये वैल्यू इसमें डाल दो, √3/4, 6 का² हो जाएगा 36, 4 × 36 ये 9√3 आपका आ गया, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, क्लियर बच्चों। आगे अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत ही बढ़िया है। ये कह रहा है किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः 4 और 10 हैं, 2 तो दे रखी हैं। तो ये कह रहा है तीसरी भुजा की लंबाई अगर a है, तो a का मान क्या होगा। देखो हमेशा ध्यान रखना, k
कि जो किन्हीं भी दो भुजाओं का योग होता है त्रिभुज में, किन्हीं भी दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा। ठीक है, यहाँ पर ये सॉरी ये उधर लिखने में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा इधर लिख देता हूँ। कहने का मेरा मतलब क्या था कि जो दो भुजाओं का योग है वो बच्चों हमेशा जो तीसरी भुजा है उससे बड़ा होना चाहिए। तो अब देखो एक एक करके चेक करते हैं। जैसे ये कह रहा है ए ग्रेटर देन फाइव, यानी ए का मान पाँच से बड़ा। तो अगर मैं ए का मान जैसे मान लो छः ले लूँ, तो इसमें ये दो भुजाएँ और कौन कौन सी, बी और सी कौन कौन सी, चार और दस। तो आप देख रहे हो इन दोनों का योग जो है वो इसके बराबर आ रहा है, जबकि बड़ा आना चाहिए। बराबर नहीं चलेगा, जो दो भुजाओं को जोड़ने पे है वो तीसरी भुजा से ज़्यादा आना चाहिए। तो इसका मतलब हम इस ऑप्शन को नहीं ले सकते। ठीक, अब ये क्या कह रहा है देखिए, अब बाकी जो तीन ऑप्शन है उसमें ए का मान छः से ज़्यादा दे रहा है। ए का मान यहाँ भी छः से ज़्यादा है, यहाँ भी छः से ज़्यादा, यहाँ भी, यानी अब ये तीनों आंसर हो सकते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज़ ये भी ध्यान रहे कि किन्हीं भी दो भुजाओं का जो अंतर होता है, अंतर किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर, वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। ये सॉरी लेस देन, तीसरी भुजा से छोटा। तो जैसे अगर मान लो मैं बी ऑप्शन की चर्चा करूं, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन कह रहा है ए का मान 12 से कम होना चाहिए। 12 से कम का मतलब जैसे अगर मान लो ए का मान में सपोज करो ए का मान 12 से कम, ये कह रहा 6 से 12 के बीच में है ना, ए का मान 12 ही ले लूँ मान लो चलिए मैं, तो बी का मान कितना है 4 और सी का कितना है 10। ठीक है, तो यहाँ 10 और 4 का अंतर कितना है 6, वो 12 से छोटा है। 12 और 4 का अंतर 8, वो 10 से छोटा है। और 12 और 10 का अंतर 2, वो 4 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है ना। तो अपन अपना कौन सा आंसर मान लेंगे? लेकिन यहाँ बेटा एक गड़बड़ हो रही, बी को मान तो ले, लेकिन बी क्या है 6 को भी ले रहा है, बी 6 को भी शामिल कर रहा है, ये इक्वल का चिन्ह है। लेकिन ए इक्वल 6 लेने पे हमने देखा था 6 और 4 10, 10 10 से बड़ा नहीं था, बराबर आ गया था, तो बी ऑप्शन भी कट जाएगा। और सी क्या कह रहा है, ए का मान 6 से कम होना चाहिए। तो हमने देखा जब 6 ही नहीं ले रहा तो 6 से कम क्या लेगा, 6 से कम में तो यही कट गया था, तो ये भी कट गया। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? डी। आपको करना ये दो रूल ध्यान में रखना हमेशा, कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है और दो भुजाओं का अंतर जो होता है वो तीसरी भुजा से छोटा होता है। नेक्स्ट, अगला कह रहा समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है? लंब केंद्र को कहते हैं हम ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र वहाँ होगा जहाँ बेटा लंब बनेगा। तो लंब कहाँ बनता है समकोण त्रिभुज में? 90 डिग्री वाले पर, है ना। तो 90 डिग्री को क्या कहते हैं हिंदी में? समकोण कहते हैं। तो ये समकोण ही शीर्ष पर हो जाएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। आगे चलेंगे। अब देखो कभी भी ऐसे आ जाए कि त्रिभुज के बाहर इसमें कौन सा बनेगा, त्रिभुज के बाहर। तो देखो त्रिभुज के इसमें जैसे अपन कर्ण की बात करें तो कर्ण पर जो बिंदु बनता है वो क्या है कि समकोण त्रिभुज में तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। कर्ण की कभी भी पूछे तो कर्ण होता है परिकेंद्र का, परिकेंद्र आ जाए तो ये आंसर होगा। अगर त्रिभुज के भीतर का ये तो अंतःकेंद्र होता तो अपना आंसर इस तरह ये रहेगा, है ना, अंतःकेंद्र में। तो ये चीज़ हमेशा समझना। और कर्ण और समकोण पर कौन रहेगा? ये लंब केंद्र। तो ये तीन क्वेश्चन आपके इसमें क्लियर हो गए। आगे चलते हैं। कह रहा है कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को दे रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², यह आपका 144π है। चलो पाई गई काम से, 4 से कटा 36 बार, स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा 6। क्या पूछ रहा है बेटा? गोले का आयतन, आयतन होता है 4/3πr³। तो 4/3πr का क्यूब, 6 का क्यूब 64 हो गया आपका, वो सॉरी 216, 6 का क्यूब क्या होता है 216, 3 से कटेगा बेटा आपका, और 72 का 4 में करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 288π हो गया। आंसर चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, बी। बस इसमें तो ये दो फॉर्मूले याद रखने, पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये रहा आयतन, बाकी इसमें कोई नई चीज़ नहीं है।
नेक्स्ट बच्चों कह रहा है यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए 19, देखो ध्यान से। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शब्दकोश में लास्ट में आएगा? देखो ऐसे शब्दों में मैंने बताया था जो समान होते हैं उनको तो पहले काट दो, तो सी ई एल ई बी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, सही है। अब ये देखो आर बी सब में आर बी, तो यहाँ बचा आई टी वाई, केवल जो अलग अलग होते हैं वो लिखते हैं ए वाई टी, यहाँ बचा ए टी ई और आई टी आई ई एस, ये बचे। तो ए बी सी डी के हिसाब से देखें अपन तो ये तो शुरू में ही आएंगे, तो ये तो अंत की पूछ रहा है तो ये तो आंसर हो नहीं सकते, बचे ये दोनों। अब इन दोनों में देखो आई टी यहाँ भी है और आई टी यहाँ भी है, तो ये कट गया। अब बताओ आई पहले आएगा कि वाई पहले आएगा? आई पहले आएगा, तो हमें तो लास्ट का चाहिए, तो हमारा आंसर आई टी वाई, यानी कौन सा हो जाएगा, ये पहला सेलिब्रिटी, ठीक बेटा। आगे श्रेणी का अगला पद क्या होगा? देखो ये सभी संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं, अवाध संख्याएं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। अगर देखो विषम होती तो दो नहीं आती, हमेशा ध्यान रखना दो आ रही है, इसका मतलब ये बात कर रहा है प्राइम नंबर्स की। प्राइम किनको कहते हैं बेटा? प्राइम कहते हैं अवाध संख्याओं को। तो आप जानते हो 13 के बाद अगली अवाध संख्या होती है 17, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। आगे चलो इसमें देखते हैं बेटा इस सीरीज में अगला कौन आएगा, चलिए देख लेते हैं। आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में ये देखो ए एक, सी तीन, ई पाँच होता है और जी होता है कितना? 7। तो 1, 3, 5, 7 के बाद 100% 9 आना है, और 9 किसको कहते हैं अपन? आई को कहते हैं। तो सीधी बात है दूसरे से आपको इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पहले से ही पता चल रहा है कि आई आ रहेगा, क्लियर। आगे अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग से समझने का है। ये कह रहा है ए की माँ बी की माँ की सास है, ए की माँ किसकी है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया बच्चों, ब्लड रिलेशन, एरो से करेंगे इसको। अब ये कह रहा है ए की माँ, ये देखो ए की जो माँ है वो बी की माँ की क्या है? सास, ठीक है। ए की माँ बी की माँ की सास है, यानी ये इसकी हो गई सास, ठीक है। चलिए तो ये कह रहा है कि बताइए कि बी की माँ ए की माँ की कौन है, यानी इन दोनों का रिलेशन बताना है। तो सीधी बात है बेटा इनमें अगर ये इसकी सास है तो ये इसकी क्या होगी? ये तो सिंपल ही है, एक लाइन का क्वेश्चन है। अगर ये इसकी सास है तो ये इसकी हो जाएगी बहू, तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी। इसमें तो ज़्यादा कुछ सोचने की बात ही नहीं थी। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई क्लास है उसमें रवि ऊपर से तो 18वें नंबर पर है, तो नीचे से रवि का क्रमांक पूछा है यदि क्लास में 44 छात्रों। देखो जो टोटल होता है वो आपका अपर प्लस लोअर माइनस 1 होता है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। तो टोटल कितना है? 44। ऊपर से इसका नंबर कितना है? 18वां नंबर है। नीचे से इसका नंबर, नीचे से पूछा है, और माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा देना। देखो ये बहुत ही मास्टर फॉर्मूला है, इससे आप ऊपर से भी निकाल सकते हो, नीचे का भी निकाल सकते हो, टोटल भी निकाल सकते हो। तो चलो 44 इक्वल 18 में से 1 गया 17 प्लस एल, 17 को इधर लाके घटा दोगे तो 44 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा? 27 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे अब देखो इसमें मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ। ये कह रहा है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें त्रिभुज कितने हैं? तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या करते हैं, जैसे कि अभी बीच वाली लाइन को अपन बाद में देखेंगे, जैसे ये मान लो ट्रायंगल है, अब आपको जैसे मान लो ये दी हुई है, तो इसमें क्या है पहले आप नंबर डाल लो 1, 2, 3, 4। अगर ये डायग्राम होता तो इसमें हमारे त्रिभुज बनते 1, 2, 3 और 4, यानी इसमें हमारे बनते 4 और 3, 7 और 2, 9 और 1, 10, 10 त्रिभुज बनते। लेकिन इसने क्या है एक बीच में लाइन और खींच दी है, बीच में लाइन खींचने से क्या है कि उसके जस्ट डबल हो जाएंगे, यानी आपके 10 × 2 यानी आपके हो जाएंगे 20। अगर मान लो ऐसे ही कोई एक और लाइन खींच दे तो 30 हो जाएंगे, एक और खींच दे 40, ये ट्रिक ध्यान रखना, तो आंसर क्या आएगा? 20 आएगा। आगे अगला क्वेश्चन है बेटा, रमा अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर जाती है, ठीक है। पहले डायरेक्शन चार्ट बना लेते हैं,
उत्तर दिशा यानी नॉर्थ ये है आपका, यहाँ से निकल रही है उत्तर में पाँच जा रही है, चलो ठीक है ये हो गया आपका पाँच। अब ये कह रहा दाईं ओर मुड़कर, तो जब ऊपर की ओर जाएगा उसका दाएं हाथ इधर होगा, तो दाईं ओर मुड़कर सात जा रही है, ठीक है दाईं ओर मुड़कर सात। फिर वह बाईं ओर, बाईं का मतलब हो गया जो व्यक्ति इधर जा रहा है पूर्व की तरफ उसका बाया हाथ इधर होगा, इधर वो कह रहा है पाँच। तो बताओ यहाँ से उसे अपने घर जाने के लिए किस दिशा में चलना पड़ेगा, घर कहाँ है, घर ये है इसका, तो यानी ये डायरेक्शन पूछी है ये। तो अगर आप देखें इसी डायरेक्शन को मैं थोड़ी आगे बढ़ाऊँ तो ये दिशा कौन सी होती पश्चिम और ये होती दक्षिण, तो इसके बीच में कौन सी हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। कभी भी आपको डायरेक्शन का आइडिया नहीं लगे तो आगे बढ़ा लिया करो उसको, तो आंसर क्या हो जाएगा बी यानी दक्षिण पश्चिम। आगे अगला देखो बेटा, ये आपका आ गया नॉन वर्बल एनालॉजी यानी आपकी अशाब्दिक सादृश्यता। तो इसमें नॉन वर्बल एनालॉजी में देखो क्या होता है, जैसे आप इसमें ये देखो रोटेशन किधर की तरफ चल रहा है, जैसे अभी आप ये देखो ये एरो बिल्कुल यूं एस खड़ा हुआ है, अब एस इधर लेट गया, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री इधर की डायरेक्शन में घूम रहा है, क्योंकि देखो अभी एस यूं था और अब ये एस हो गया आपका यूं, तो इसका मतलब इसने इधर को इधर की तरफ पलट दिया, इसको यानी इधर पलट दिया इधर की तरफ। तो वही काम अपने को यहाँ करना है, जैसे ये डायरेक्शन है मान लो ये देखो इस तरह की है, अब आप इसको 90 डिग्री लाओगे तो ये कुछ इस तरह खड़ा हो जाएगा, ये कुछ इस तरह हो जाएगी लाइन, तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा डी आएगा, है ना। ये आगे चलेंगे, पासे यानी डाइस का क्वेश्चन आ गया बेटा, डाइस पासा आ गया। तीन के विपरीत सतह पर क्या होगा, तीन का विपरीत, आप ये देखो बच्चों के इन दोनों में समान कौन है दो, तो समान के एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, बिल्कुल ट्रिक बता रहा हूँ इन शॉर्ट। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होता है कि जो आपके क्रम में पहले आएगा वो एक दूसरे का विपरीत होगा, तो छः का विपरीत तो क्या होगा एक, अब जब इस क्रम को आगे ले जाएंगे तो इसमें पाँच आएगा इसमें तीन आएगा, तो पाँच का विपरीत हो जाएगा तीन, और इसमें आपसे तीन का ही पूछा है तो तीन का विपरीत हो गया पाँच, सही है। आगे चलो, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसमें ये पूछ रहा है इस खाने को क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं, डायग्राम को वहीं पे पूरा करते हैं, तो जैसे ये एरो मैं यहाँ मिलाऊँगा आपका यही होगा ना ये, चलिए अब इस डायग्राम को पूरा कैसे करेंगे, ये ट्रेंगल कुछ इस तरीके से बन रहे हैं आपके, ये बन रहे हैं ये है ना, और ये एरिया इस तरह का आ रहा है, तब आप ये देखो इससे कौन सी आकृति मैच हो रही है, इससे हमारी आकृति पहली ही मैच हो रही है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप क्या करो जो अधूरा डायग्राम हो उसे पूरा कर लो फिर उसको मिला लो, बिल्कुल एक सेकंड के, इसमें एक दो सेकंड से ज़्यादा का टाइम ही नहीं लगता है। तो ये था बेटा 2018 का पेपर, बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको डिस्कस किया है, और ये 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। तो आज हमने रागा के मैथ रीजनिंग की बात करी, कल मैं 2018 का आपके सामने लाऊंगा सेकंड पेपर, जो कि बहुत ही अच्छा पेपर होगा, बढ़िया लेवल से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, क्लियर। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो बाकी बच्चों को भी बेटा एक बार ज़रूर शेयर करना, और अगर आपको 2011 से 2020 तक के कंप्लीट पेपर चाहिए तो आप प्लेलिस्ट के लिए ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएँ, प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन पर भी दी हुई हैं और बच्चों ये डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई हैं। और भी कोई क्वेरी हो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो बाकी स्टूडेंट को बेटा वीडियो ज़रूर शेयर करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।